आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम दोबारा बेस्ट फूड बनाएंगे जो जिसमें लारा प्रोटीन से हैं। तो इसके लिए हमने एक 10 नंबर का कैन ले लिया चने का, और स्पाइसेस उसमें डालने के लिए हमने ले लिए हैं हरा धनिया ले लिया है, कॉमन ले लिया है जिसको आप लौंग भी कहते हैं, और इसमें इलायची भी ले ली है, इसमें कोरिएंडर पाउडर भी ले लिया है, इसमें पार्सली भी ले ली है, कोरिएंडर पाउडर के बाकी सारे 1 टेबलस्पून ईच, और ककुम्बर के 6 जो है ना टीस्पून मैंने डाले हैं, और सेम थिंग जो ब्लीच फ्लावर है जो मिर्च है उसका भी 1 टेबलस्पून, साल्ट भी 1.5 टेबलस्पून डाला है, और अंडे 6 डाले हैं इसमें मैंने। अंडे तोड़ के डाल दिए, मैदे के जिसे ब्रिज फ्लावर कहते हैं मैदे के भी 6 स्पून, नॉट टेबल स्पून टी स्पून मैंने डाले हैं ये। अब हम इनको सारे को मिक्स करेंगे। इसको ये चने बहुत साफ़ है, इसको ऐसे भी आप मिक्सअप कर सकते हैं उसके साथ हाथ के साथ, लेकिन हम इसको ग्राइंडर में करेंगे। पहले सारा मसाला मिक्स कर लिया अच्छी तरह, तो अब हम फूड प्रोसेसर में थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करते हैं। ये ऊपर ही चला जाता है, इसको मिक्स अप दोबारा कर दें। मेक श्योर करें ये फुल ग्राइंड नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़े से चने जो है ना थोड़े थोड़े रहने चाहिए, तो उनका टेस्ट बेहतर आएगा, क्रिस्प टेस्ट आएगा उनका। ये सारे कर लिए, अब हम हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। अभी हम इसके बनाएंगे। मैंने एक ढक्कन ले लिया है, उसमें वैक्स पेपर रखा है, और उसके ऊपर दूसरा ढक्कन दे के दबाया है, तो ये एक टिक्की बन गई है। हाथ से भी आप बना सकते हैं। इस तरह सारी टिक्कियाँ बना लें। अभी आप पैन लिया है, उसको गर्म कर लिया है, उसमें ऑयल थोड़ा सा डाला है, ऑलिव ऑयल मैंने डाला है, आप अपनी चॉइस का और डालें। उसमें टिक्कियाँ डाल दी हैं, रिमेंबर ये 3 मिनट एक तरफ और 3 मिनट दूसरी तरफ, तो ये पक जाती है। तो दैट्स इट, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।